हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, आयुष काउंसलिंग 2021 का जो फर्स्ट राउंड का रिजल्ट है वो आज आना था 5 फरवरी को, और ये जो रिजल्ट है ये दोपहर के 4 बजे आ गया है। जिन भी स्टूडेंट्स ने रिजल्ट नहीं देखा है वो AACCC की वेबसाइट पर या मेरे टेलीग्राम चैनल @BeingDoctor पर नीट पर जाकर रिजल्ट देख सकते हैं। इसी तरीके की जो लेटेस्ट अपडेट्स होती है वो मैं मेरे टेलीग्राम चैनल @BeingDoctorNEET पर देता रहता हूँ सबसे फास्ट। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है वो जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। तो रिजल्ट आने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स के मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं कि भैया फर्स्ट राउंड का क्या रहा है कट ऑफ, उसके बारे में आप बता दीजिए। तो जो फर्स्ट राउंड का कट ऑफ है वो बताने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने हमारे चैनल बिंग डॉक्टर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ सेकेंड राउंड का वीडियो चाहिए, जैसे ही मेरे 21,000 सब्सक्राइबर्स होंगे उसके बाद में मैं जो सेकेंड राउंड का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाली है वो वीडियो भी मैं आपके सामने लेकर आ जाऊंगा। सिर्फ और सिर्फ गाइज हम 21,000 सब्सक्राइबर्स से 100-200 सब्सक्राइबर्स दूर हैं। तो गाइज जिन भी स्टूडेंट्स ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जो फर्स्ट राउंड का कट ऑफ है उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताता हूँ एक एक चीज करके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो कट ऑफ रही है वो क्या रही है। तो मैं आपको बता दूं कि जो कट ऑफ रही है वो BMS के लिए तो हाई रही है, लेकिन जो BHMS, BUMS और BSMS कोर्सेज है उनके लिए लो रही है कट ऑफ एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर। तो ये कट ऑफ क्यों रही है हाई BMS के लिए, ये तो आपको जैसे कि पता है जो BMS का क्रेज़ है वो बढ़ता जा रहा है दिनों दिन, इस वजह से जो ये कट ऑफ है BMS की वो हाई गई है। अब ये जो मैं कट ऑफ आपके सामने बताने वाला हूँ ये 3 टाइप के कॉलेजेस के लिए रहेगी। एक रहेगी ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट, और एक रहेगी ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट एडेड, और एक रहेगी सेंट्रल यूनिवर्सिटी या नेशनल इंस्टीट्यूशन। इन 3 टाइप के कॉलेजेस के लिए ये जो कट ऑफ है ये मैंने बताई है। और इसके बाद में इस कट ऑफ के अंदर मैंने जैन माइनॉरिटी, मुस्लिम माइनॉरिटी और दिल्ली कोटा, ये जो कैटेगरीज हैं इनको इंक्लूड नहीं किया है इस कट ऑफ के अंदर, वरना ये जो कट ऑफ है वो बहुत ज़्यादा घिचपिच हो जाता है इस कट ऑफ के अंदर, इस वजह से मैंने इन कैटेगरीज को इन्वॉल्व नहीं किया है। और गाइज ये कट ऑफ बताने से पहले सबसे पहले मैं कॉन्ग्रेचुलेशन बोलूँगा जिन भी स्टूडेंट्स को कॉलेज अलॉट हुआ है, और जिन भी स्टूडेंट्स को कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है वो पेशेंस रखें, और जिन भी स्टूडेंट्स को कॉलेज अलॉट हो गया है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं उन्हें कौन कौन सा कॉलेजेस अलॉट हुए हैं। उसके बाद में हम सबसे पहले बात करते हैं BMS के कट ऑफ की। तो जैसा कि आपको पता है जो BMS का कट ऑफ है वो हाई रहा है, तो हम बात कर लेते हैं कैटेगरी वाइज। तो जनरल स्टूडेंट्स के लिए जो रैंक रही है लास्ट वो रही है 58,247, EWS के लिए रही है 61,363, OBC के लिए रही है 60,759, SC स्टूडेंट्स के लिए रही है 1,70,583, और ST स्टूडेंट्स के लिए रही है 1,97,123। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं BHMS की। तो BHMS के अंदर जो जनरल स्टूडेंट्स की कट ऑफ रही है वो रही है 1,01,978 रैंक। उसके बाद में EWS के लिए रही है 1,16,022, OBC के लिए रही है 1,10,526, SC के लिए रही है 2,14,818, और ST स्टूडेंट्स के लिए रही है 2,97,782। तो ये रही है कट ऑफ BHMS स्टूडेंट्स के लिए। फिर उसके बाद में जो BUMS की कट ऑफ रही है वो रही है 1,02,425, EWS के लिए रही है 1,35,721, और OBC के लिए रही है 1,10,526, और SC स्टूडेंट्स के लिए रही है 2,26,259, और ST स्टूडेंट्स के लिए रही है 2,98,352 रैंक। ये रही है लास्ट रैंक कैटेगरी वाइज BMS, BUMS, BHMS स्टूडेंट्स के लिए। आई होप गाइज इस वीडियो से आपको मदद मिलेगी, ये अपडेट मैंने आप तक सबसे पहले पहुंचाई है। और गाइज मैं आपसे वापस से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जिन भी स्टूडेंट्स को सेकेंड राउंड की एक्सपेक्टेड कट ऑफ चाहिए एक्यूरेट बिल्कुल, वो हमारे बींग डॉक्टर चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसे ही 21,000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे मैं जो सेकेंड पार्ट है सेकेंड राउंड की जो कट ऑफ है वो मैं आपके सामने लेकर आ जाऊँगा। तो गाइज इस वीडियो से अगर आपको मदद मिली हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में ताकि उन तक भी एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।